कि सारे किसान वहाँ पे पहुंच रहे हैं किसी ना किसी वजह से, कुछ बता सकते हैं सर? आप भी सपोर्ट अनाउंस किए हैं उनको। देखो, पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इश्यू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी, यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है, वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है, क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पर कब्जा कर लिया, तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई दो दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है और ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई, 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही है, ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन सर, सरकार ये कह रही थी लगातार कि हम बात करने की कोशिश की है, लेकिन संगठन वालों ने जो नहीं, ऐसा नहीं है, बात वो तो अपनी बात रखेंगे, बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है, ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं, किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है, ये किसान समझ गया। इस देश को आंदोलन बचाएगा, आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होंगे, वे होते रहेंगे। लेकिन सर, जो वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी किसान हैं, आपको नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट नहीं आ रही है? कोई सपोर्ट नहीं, हम कोई किसी जो आंदोलनकारी है कोई दूसरे देश के रहने वाले, लेकिन उनको वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार हमको संविधान में दिया गया है, वोट वो अपनी मर्जी से कहीं डाल ले, आंदोलन में हमारे साथ में है, आंदोलन में तो बीजेपी के लोग भी हमारे साथ में है, वे अपना झंडा उतार करते हैं हमारे साथ में, क्योंकि फसल के दाम तो उनको भी चाहिए ना, वे सरकार को वोट सरकार को देते हैं, आंदोलन में हमारे साथ में है। अब हम ये कहने लगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी आ रही, हर आदमी पॉलिटिकल है, जो आदमी वोट दे रहा है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, कोई संयुक्त किसान मोर्चा अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो नॉन पॉलिटिकल पूरा ही है, हम इलेक्शन नहीं लड़ते, वोट देते हैं, हमारे मोर्चे में सारी पार्टियों के लोग हैं, जो सत्ता में रहती है वो झंडा लगा के नहीं आते, पॉलिटिकल वाला कोई झंडा लगा के नहीं आता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देने वाले सब लोग हमारी सरकार साथ में है। लेकिन ये भी एक आलोचना आ रही है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सरकार कर्नाटक से लोगों को वहां पे भेज रही है, और बहुत सारे ऐसे जगह से पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करके कोई कोई किसी को नहीं भेज रहा,
ये सब किसान हैं, अपने उस सजा रहे। जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको तो अपनी जान बचानी भारी हो रही, वे हमारी क्या सपोर्ट करेंगे, वे अपनी सरकार ही बचा लें। पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। और हमने तो जब सरकार और देश का राजा ये कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे तो फिर चुनाव की कहां जरूरत रहेगी देश में? भाई चुनाव की जरूरत रही नहीं, इसको रिन्यूअल कर लो ना फिर, क्यों देश को भी बेवकूफ बना रहे हो।